हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट यूपीएससी आरपीएससी बीपीएससी टीजीटी मैथ्स और शॉर्ट टर्म में इलिप्स। इलिप्स का देखिए इस तरह से होता है, ये सर्किल टाइप होता है पर पूरी तरह सर्किल नहीं होता है, चपटा थोड़ा। ये 0.0 0.b माइनस c.0 c.0 फोकस एस और एस डैश a.0 माइनस a.0 0.-b। ये पी आर एस सी कंडीशन होती है, एस डैश पी और पी पी एस इनका सम इक्वल टू 2a के होगा। और इस वाला की क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0। जब ग्राफ यूँ हो अकॉर्डिंग, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से ग्राफ हो, तो इसमें एस डैश पी प्लस पी एस इक्वल टू 2b होता है, इसमें ए लेस देन 0 होता है। इसकी क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके आगे और थोड़े पॉइंट्स में देखते हैं। यहाँ जो है फोकी होता है, सी इक्वल टू ए वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 मैच मेजर एक्सिस 2a माइनस 2b फोकी प्लस माइनस सी कॉमा 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इजिकल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी ई इनसर्टनिटी इजिकल टू ई सी अपॉन ए लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच एस पी जैसे जब इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 0, प्लस माइनस बी वर्टेक्स होंगे, मेजर 2b माइनस 2a 0, प्लस माइनस सी 4 की वाई इजिकल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ई इजिकल टू सी अपॉन बी लेटर सेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बी। इसकी बाई टेक आती है पी एस इक्वल टू ई पी एम एच को एम कॉमा ए पॉइंट दिया हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर ई एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वेशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपको एच के कोई पॉइंट दे रखे हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछे इक्लिप्स की, तो ऐसे बनाएंगे। ये शॉर्टकट है निकालने का, इंसर्ट नहीं, इजिकल टू डिफरेंस अपॉन बिग, जो ए और बी है उसमें माइनस कर दीजिए और जो बड़ा वाला है उसको अपॉन में कर दीजिए, तो इंसर्ट नीट निकल आएगी। क्वेश्चन में आएंगे तो बताते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर वाई वन टू एक्स एक्स प्लस टू वाई वाई प्लस वाई। अभी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी एक्स वन वाई वन पर, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन बी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1 जो पैराबोला में आपने पढ़ी थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एंड एक लाइन है वो टच करती है इक्लिप्स को, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए स्क्वायर एल अपॉन एन कॉमा बी स्क्वायर एम अपॉन एन ए स्क्वायर एल ऑन एन। ये है ऑक्सिलेटरी सर्किल। ऑक्सिलेटरी सर्किल है कि ये दो सर्किल है, उसके अंदर एक और इक्लिप्स के अंदर एक और इक्लिप्स आ रहा है, तो इसकी ऑक्सिलेटरी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एरिया पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स सर्किल डायरेक्टर सर्किल, ये देखिए यूँ हो जा रहा है, इस पर यहाँ पॉइंट बनना है, ये डिस्टेंस 90 पे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे सेंटर पूछा है क्लिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है तो हमने आपको बताया था डिफरेंस करिए डी अपॉन डी एक्स एक्स की वैल्यू डी अपॉन डी वाई वाई की वैल्यू, सेंटर आ गया, ये आ गया वैल्यू आ गई। इनसर्टनिटी एंगल ये रहा आपका, देखिए ये क्लिप्स है, ये टेंजेंट है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये डी डिस्टेंस है, ये पी थीटा एंगल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एल ओ एम इनसर्टिक एंगल है एक्स अपॉन वाई अपॉन एन इक्वल टू 1 केस फर्स्ट। पॉइंट एंड डिस्टेंस, आपको एक पॉइंट दे दिया और डिस्टेंस दे दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डी स्क्वायर, कॉस थीटा एंगल निकालो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के सेकंड है पॉइंट एंड टेंजेंट लाइन दे दीजिए आपको, इसमें था पॉइंट और डिस्टेंस, पॉइंट है और डिस्टेंस ये दे रखा है, लेकिन इसमें पॉइंट और क्या दे दिया टेंजेंट लाइन दे दी, तो कॉस थीटा बराबर ए अपॉन एम। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये देखिए पी एच कॉमा के मिल रही है ऐसे एच के में, तो इक्वेशन ऑफ कोड टी पी स्क्वायर एस एस पी टी पी एक्स एच अपॉन स्क्वायर वाई के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि एक्स से एक एक्स निकाल के एस रख दिया ना, एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन होता है टेन थीटा, और एस पी क्या होता है एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह एच और के रख दिया टेन थीटा टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टी पी इजिकल टू कोड ऑफ मिड पॉइंट टी एम इजिकल टू एस एम एक्स डैश ए स्क्वायर प्रोवाइड एस डॉन बी स्क्वायर माइनस वन। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल है इसमें एस एस डैश उसमें एम और एन परपेंडिकुलर एस एम एस डैन इजिकल टू बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला नॉर्मल आ जाए अगर एल एक्स एम वाई ये परपेंडिकुलर था नॉर्मल कंडीशन ऑफ भी नॉर्मल एक्स ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्ट कर रहे हैं बी और ए हैं तो एल उसकी लेंथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वन अपॉन एस पी इजिकल टू वन अपॉन एस स्क्वायर टू ए अपॉन बी स्क्वायर। और एक्लिप्स अगर आपको ऐसे दिया हो तो इसका एरिया पाई ए भी होता है। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक किए शेयर किए, आगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।